अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तुहाना की दुनिया। जिस तरह इसके पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम मुल्तान के लिए निकल चुके थे, सो यहाँ पर हम लोग भैरह तक पहुँच चुके हैं और मुल्तान बहुत नज़दीक था। आई थिंक 2 आवर्स का कोई सफ़र रह गया था, मुल्तान आने वाला था, तो हमने कहा थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। मैंने जल्दी से कहा यहाँ से मैं आइसक्रीम लेती हूँ, क्योंकि मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत ज़्यादा दिल था। जब तक सब अपने काम कर रहे थे, जिसको जो खाना था वो खा रहा था, मैंने तो यहाँ पर आइसक्रीम ले ली थी। और दूसरी बात ये थी कि हमारे फैमिली फ्रेंड्स में से दावत आई हुई थी, तो हमने कहा वहाँ जाते हैं। रात इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मतलब शायद रात के कोई 1-2 बज रहे थे, और हमने कहा कि बस यहीं से जो शॉप खुली है मीठे में कुछ ना कुछ ले जाते हैं। तो अब हम लोग इंटर हो गए मुल्तान DHA में। उनका जो DHA था अंदर से काफी साफ सुथरा था, बहुत मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। म्यूजिक ऑन करती हूँ और आप लोग जल्दी से इसको एंजॉय करो। यहाँ पर पहुंच चुके हैं, हमने यहाँ पे बहुत मजे की दावत को एंजॉय किया, मजे मजे का खाना खाया, और उसके बाद हमने कहा कि हमें मैस के लिए निकल जाना चाहिए। वहाँ पर हम लोग जनरल मैस पहुंच चुके हैं, जो कि पहले से बुकिंग हुई भी थी, तो इसलिए हमें मुश्किल नहीं हुई और हम जल्दी से पहुंच गए। इतनी रात हो गई है, अभी हम लोग मुल्तान के मैस में आए और 2 दिन बाद हमारा कराची का सफर होगा इंशाल्लाह। कोई रात के 3 बज रहे हैं, अब मैं आपको जल्दी से अंदर से मैस दिखाती हूँ, आ जाएं। मैंने नाश्ता कर लिया है और आई एम सुहाना को उठाते हैं, चेक करते हैं, उठी है, सो रही है। सुहाना उठ जाओ, व्लॉग बन रहा है। यहाँ पर मेरी हो गई गुड मॉर्निंग और मैं बहुत खुश थी कि हम 2 दिन बाद कराची जाने वाले हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई, और वो प्रॉब्लम ये थी कि मैं बहुत ज्यादा अचानक से बीमार हो गई। इस तरह से बीमार हुई कि जब सोकर उठी मैं अपना माउथ ओपन नहीं कर पा रही थी, मतलब मैंने जब टूथ ब्रश किया तो मुझे दर्द हुआ माउथ ओपन करते हुए। जब मैंने खाना खाने लगी, ब्रेकफास्ट करने लगी, मुझे इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि मुझसे खाया नहीं जा रहा। मतलब एज अ मेडिकल स्टूडेंट मैंने सोचा कि शायद मुझे इसी ने काट लिया है, या तो मेरा TMJ डिसलोकेट हो गया है। बहुत मैं कोशिश कर रही थी कि मैं ठीक हो जाऊं, मैंने मेडिसिंस ली लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाई। अचानक से मेरा पूरा हाफ फेस आप देख सकते हैं कि रेड हो गया, और इतना ज़्यादा कोई मोटू हो गया था, ये देख रहे हैं आप। तो मुझे इतना इस चीज़ का दर्द था, और मुझे ये था कि अब आगे कराची का सफ़र लंबा है, और जब मैं वहाँ से मुल्तान से कराची जाऊँगी तो सफ़र में अचानक मुझे दर्द ना हो रहा हो।
अच्छी चीज़ ये थी कि यहाँ पे हम आर्मी के एरिया में, तो हमें यहाँ CMH मिल गया और हम लोग यहाँ पे चले गए। रिपोर्ट्स करवाई, एक्सरे करवाया, हर चीज चेक करवाई। मुझे ये भी था कि शायद मेरा विजडम टीथ ना आ रहा हो, इसका दर्द हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। मेडिसिन से थोड़ा सा दर्द कम हुआ तो मैं फैमिली के साथ फिर यहाँ पे पानी पूरी खाने आ गई, क्योंकि मुल्तान में आपको पता है मशहूर है। हमने मुल्तान की हर पानी पूरी को ट्राई किया और फिर मैंने कहा मैं भी इसे खाती हूँ, लेकिन मैं खा रही थी, मुझे मजा तो नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन स्टिल मैंने कहा इंजॉय तो करना ही है ना, जब टूर पे आए तो बीमारी साइड पर रखो। मैं अपने मैस वापस आ चुकी हूँ और हमने कहा कि रात का टाइम हो गया, कोई मूवी शूवी लगाते हैं, आपस में सब बैठ करना सोच रहे थे कौन सी मूवी देखते हैं सब। यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले ना वही वाली मूवी लगा दी थी जो मेरे चैनल में है, हॉरर मूवी जो हम लोगों ने बनाई हुई है, ये वाली। तो इसका पार्ट वन ये था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देखें, क्योंकि पार्ट टू बहुत जल्दी आने वाले, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि पार्ट वन में क्या हुआ। यहाँ पर दें आप लोग मुझे इजाजत, क्योंकि ये हमारा व्लॉग एंड होता है और इसके बाद शायद टूर का कोई लास्ट व्लॉग रह जाएगा, वो मैं अपलोड कर दूंगी। उसके बाद हम नॉर्मल डेली रूटीन के व्लॉग्स डालेंगे, रेस्टोरेंट्स के रिव्यू डालेंगे और अब इंशाल्लाह व्लॉग कंटिन्यू आएंगे। काफी लोग इंस्टाग्राम पर कह रहे हैं कि आप इतना कम क्यों डाल रही हैं, मैं बिजी थी लेकिन अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, इंशाल्लाह बहुत व्लॉग आएंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।